रही बात आपकी कि मैं दो तीन प्रोग्रामों में नहीं गया, जाने के बाद नहीं गया, तो सच बात है कि यार उसके बाद मुझे किसी प्रोग्राम में मधु नहीं किया गया, इन्वाइट नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं जा सका। कहीं जो महा विकास अघाड़ी की सरकार है उनकी ये पॉलिसी है कि MIM के लोगों को हमको अहमियत नहीं देना है और उनका काम नहीं करना है। जब तक मुफ्ती इस्माइल साहब MIM में है, मैं नहीं समझता मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में कोई फंड आएगा या आने वाले वक्तों में कोई कामकाज होगा। इसलिए मालेगांव शहर में आज भी अपने तौर पर काम कर रही है और पूरी तरह से हर तरह के पद भी बांटे गए, लेकिन आपको अभी तक कुछ पद दिया नहीं गया है और ज़्यादातर मीटिंग में आप नज़र नहीं आते, मामला क्या है? 19 को जब असम्बली का रिजल्ट लगा उस वक्त भी मैंने कह दिया था कि मैं किसी फिरका परस्त पार्टी में नहीं रहूँगा। MIM एक फिरका परस्त पार्टी है, ये देश सर्वधर्म संभव गए, और मैं उस वक्त तो MIM में ना जाते हुए राष्ट्रवादी में ही रहा, और मैं राष्ट्रवादी की सदारत के लिए मैंने पूरी ताकत लगाई थी। मगर एक बात मैं बोल के चलता था कि अगर राष्ट्रवादी पार्टी किसी और को सदारत देगी तो मैं उसके साथ काम करूँगा। ये यूनानी राहत तेल है जो हर दर्द के लिए मुफीद है। इस तेल की खासियत ये है कि इसे उबलते हुए तेल में हाथ डालो तो हाथ नहीं जलता, जो ये साबित करता है कि ये तेल कितने फ़ायदेमंद है। जैसे गर्दन का मनका, कमर का मनका, जोड़ों की दर्द हो, घुटने का दर्द हो, हर चीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। रही बात आपकी कि मैं दो तीन प्रोग्रामों में नहीं गया, जाने के बाद नहीं गया, तो सच बात है कि यार उसके बाद मुझे किसी प्रोग्राम में मधु नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं जा सका। मगर अगर पार्टी का कोई भी प्रोग्राम रहेगा तो मैं उसमें आऊँगा जाऊँगा। और रही बात ओहदे की, तो जब शेख आसिफ साहब राष्ट्रवादी के सदर बने तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मैं तुमको सदर, एग्जीक्यूटिव सदर, वर्किंग सदर दूंगा। मगर मेरा बोलना ये है कि मालेगांव में 60% अंसारी वोट है, अंसारी लोगों का ही है, इसलिए अगर तुम अकेला मुझे सदर बनाओगे, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाओगे और जयंत पाटिल साहब को अहदा से लीडर दोगे तो मैं बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। उन्होंने 4 लोगों को बनाया, कहीं ना कहीं अंसारी लोगों की बेइज्जती थी, इसलिए मैं बेइज्जती के हिसाब से मैंने वो अहदा नहीं लिया। मगर मैं आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी से ही इलेक्शन लड़ूंगा और राष्ट्रवादी में ही रहूंगा। लेकिन इस तरह से ऐसा फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि आप तो पहले से NCP नहीं थे? मैं NCP में हूँ, पहले से भी हूँ, आज भी हूँ, और आगे भी मैं आने वाला इलेक्शन NCP से ही लड़ूंगा। मगर जो शेख रशीद खानवादा है, जो शेख आसिफ साहब है, कहीं ना कहीं अंसारी बरादरी उनको अपने पावर लूम दुश्मन मानती है, इसलिए मैं जिस एरिया में राजकारण करता हूँ उनको ऐसा लगता है कि ये बुनकर दुश्मन है, इसलिए मैं बुनकरों को उनका हक मिले, बुनकरों को उनका मुकाम मिले, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं अगर एक वर्किंग प्रेसिडेंट रहेगा और जयंत पाटिल साहब का लीडर रहेगा तो मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। और उन्होंने नहीं ऐसा किया, इसलिए मैंने नहीं बना। मगर मैं पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से रहूँगा। तो मतलब NCP के जो भी मामला रहेंगे, उनके जो भी ये रहेंगे, मतलब ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब NCP हर चीज़, NCP के जो उसूल है, NCP के जो भी बात है, जो प्रोग्राम है, मैं उसको फॉलो करूँगा और NCP में ही रहूँगा, आने वाले इलेक्शन NCP से ही लड़ूँगा। और मालेगांव शहर में एक लीडर ने एक छोटे जलसे के दरमियान एक बात कही थी कि मालेगांव शहर के MLA जो है मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। पीछे जब एक बुनकरों को वफद श्री मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ टेक्सटाइल मिस्टर असलम शेख के पास गया, तो जो हमारे बुनकर के लीडर हैं यूसुफ इलियास साहब, उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि जब हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ गए, असलम शेख ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो ये बोला कि तुम्हारा जो काम है जाओ वो करो। कहीं ना कहीं जो महा विकास अघाड़ी की सरकार है उनकी ये पॉलिसी है कि MIM के लोगों को हमको अहमियत नहीं देना है और उनका काम नहीं करना है। जब तक मुफ्ती इस्माइल साहब MIM में है, मैं नहीं समझता मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में कोई फंड आएगा या आने वाले वक्तों में कोई कामकाज होगा। इसलिए MIM जब तक हम इस शहर में कोई फंड ला सकेंगे या कोई विकास का काम कर सकेंगे, मुझे नहीं लगता है। रही बात रिमोट कंट्रोल की, तो ये उनका आपसी मामला है। अब उनके गठबंधन में क्या बातचीत है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। इसलिए उनका पार्टी का मैटर वो समझे, पार्टी समझे, और जिनको उनका नेतृत्व करना है वो समझे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं।